नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ट्रेस कन्वर्टर के इस वीडियोस में। आज हम बात करने वाले हैं 180 डिग्री कंडक्शन मोड, यानी कि 180 डिग्री कंडक्शन में अगर हम फोरियर कंडक्शन मोड यूज करते हैं तो इसमें स्विचिंग कैसी होगी और लाइन वोल्टेज कैसे होंगे और फेज वोल्टेज कैसे होंगे। तो इस चीज को हमने पहले वाले वीडियो में भी दिखाया है कि अगर 180 डिग्री कंडक्शन मोड यूज किया जाए और इन स्विचेस को नाम दिया जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस पैटर्न में, और ये भी सोचा जाए कि 1, 4 कभी एक टाइम पे ऑन नहीं होंगे, और ये भी देखा जाए कि अगर 1, 3, 5 ऑन हुए ये कोई काम का नहीं है, 0 वोल्टेज देगा, और 4, 6, 2 ऑन हुए, नीचे वाले सारे स्विच ऑन हुए तो भी 0 देंगे। तो हमने इसको इस तरह नाम इसलिए दिया है ताकि एक सीक्वेंस में स्विचिंग को हम दिखा सकें, जैसे कि 6, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 6, 1। तो ये जो डिफरेंट स्विचिंग्स हैं, इन स्विचिंग के टाइम पर कितने वोल्टेज होंगे, कौन से स्विच ऑन होंगे, तो हम लोग ये सब स्टडी डिटेल में किए हैं और मालूम पड़ा कि जब 6, 1, 2 है तो 1, 6, 2, तो ऑब्वियसली इसको हम जो ऊपर वाले स्विच ऑन होंगे तो उसे 1 बोलेंगे और नीचे वाले स्विच ऑन होंगे तो 0 बोलेंगे, तो 1, 0, 0 हुआ। तो यहाँ पर लाइन वोल्टेज मतलब जो पोल वोल्टेजेस हैं, पोल ए पोल बी, तो इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज होगा डिफरेंस वो वेरी होगा, क्योंकि ए का जो पोटेंशियल हो जाएगा वो वेरी हो जाएगा और बी का पोटेंशियल 0 हो जाएगा, तो ए बी का पोटेंशियल वेरी हो गया। तो इस तरह हम इसको स्विचिंग के रूप में भी दिखाए, और जो फेज वोल्टेज है ए और एन के बीच में पोटेंशियल, जो ए और एन के बीच में जो पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया और फाइंड निकाला कि ए एन का जो वैल्यू है वो वी ए बी माइनस वी ए सी ए, मतलब ए दोनों साइड में रहा और बी और सी बीच में रहा, तो वी ए बी माइनस वी सी ए बाय 3, तो ये हो गया आपका वी ए एन का जो वैल्यू। तो हम इस तरह इस सबके वैल्यूज निकाले। अभी हम जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो सिर्फ वी ए बी का प्लॉट करेंगे और वी ए एन का प्लॉट करेंगे, और यहाँ पर हम देखेंगे कि वी ए बी का पैटर्न किस तरह दिखता है, आउटपुट वोल्टेज कैसा होता है, और उसका फोरियर सीरीज एनालिसिस करेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो इसका फोरियर सीरीज एनालिसिस हमको करना है और फेज वोल्टेज भी इस पैटर्न को हमको समझना है। तो यहाँ पर हम जो स्विचिंग के हिसाब से दिखाए थे वे हम पल्स के रूप में दिखा दिए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो से 6 स्विचेस हैं, तो हम इसको इस तरह दिखाए तो पहला नंबर आता है 5, 6, 1 का, तो यहाँ पर हर एक स्विच 180 डिग्री तक ऑन रहेगा, यानी जो पल्स स्विच 1 है वो 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक ऑन हुआ, यानी T/2 टाइम तक, और जो पल्स नंबर जो सेकंड स्विच है वो भी 180 डिग्री तक ही ऑन रहेगा, पर उसमें ये डिफरेंस रहेगा कि उसमें एक लैग रहेगा 60 डिग्री का, 60 डिग्री के बाद स्विच 2 ऑन रहेगा। उसी तरह अब जो स्विच 3 है वो 120 डिग्री तक लैग रहेगा, उसके बाद वो 180 डिग्री तक चलेगा, मतलब सारे स्विच 180 डिग्री तक ही चल रहे हैं, पर जो पहला स्विच और दूसरे स्विच में डिफरेंसेस ये है कि उनमें एक 60 डिग्री का लैग है हर एक स्विच के और उसके पहले वाले स्विच में 2 और 3, 3, 4, 4, 5, तो यहां पर 4 को जो स्विच है वो स्टार्ट हुआ 180 डिग्री के बाद, और जो फिफ्थ हुआ वो 180 डिग्री प्लस 60 तो 240 डिग्री तक के बाद 40 डिग्री के, तो हम इसको ये जैसे ही हम बनाते हैं इसका पल्स ये 360 डिग्री को ओवरलैप कर जाता है, तो 360 डिग्री के बाद 60 डिग्री जो ओवरलैप किया वो 60 डिग्री को हम पहले दिखा दिए, तो क्योंकि वो कहा भी जाता है कि वो उससे हम -120 भी दे सकते हैं डिले, तो या तो डिले दे दो कि 240 या फिर उसको दिखाओ कि डिले है -120। जैसे पल्स नंबर 2 है, स्विच 2 है, तो इसमें डिले कितनी होगी 60, 3 में कितनी डिले होगी 120 डिग्री, 4 में कितनी डिले होगी 180 डिग्री, और 5 में कितनी डिले होगी -120 डिग्री, और 6 में कितनी डिले होगी -60, क्योंकि अगर हम इस पर डिले दिखाते हैं तो ये 240 फिर 60 यानी 300 उसके बाद पल्स के हम लोग जनरेट कर रहे हैं, तो ये 360 डिग्री के बाद भी और 120 डिग्री तक जाता है, तो हम इसको यहां पर भी दिखा दिए। तो हम अगर दिखाते हैं कि डिले कितनी है,
तो हम डिले दिखा सकते हैं कि ये -60 डिग्री है या -120 डिग्री है। कौन से वाले को? स्विच नंबर 5 को -120 और स्विच नंबर 6 को -60। ये सिमुलेशन करते समय हेल्प करेंगे। फिर आपका जो आउटपुट वोल्टेज है VAB, तो हमने यहाँ पर जो पल्स है वहां से देखा, तो पहले हम यहाँ पैटर्न देख लें, यहाँ पर 651 ऑन है पहले, उसके बाद 6 रहा, 5 चले गया, 612 है, फिर कौन सा है 123 है। तो इस तरह ये जो पैटर्न है ये याद रखना है कि 651, 612, 123, 234, तो यही पैटर्न यहाँ पर देखा जाए तो पहले स्टार्ट होता है 561 से, तो यहाँ पहले VD, फिर VD, फिर 0, -VD, फिर 0, ये है पैटर्न। और जो फेज वोल्टेज है उसका पैटर्न कैसा है, +VD/3, 2VD/3 एंड फिर +VD/3, फिर -VD/3, -2VD/3, फिर -VD/3। ये दोनों पैटर्न को अगर हम ठीक से समझ जाएं तो यहाँ पर हमारा लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज कुछ इस तरह दिखेगा। लाइन वोल्टेज का जो पीक वैल्यू है वो VD होगा और फेज वोल्टेज का पीक वैल्यू है वो 2VD/3 होगा। तो ये हमारा लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज हो गया। अगर हम फोरियर सीरीज लाइन वोल्टेज का निकाल देते हैं तो हम इससे हम फेज वोल्टेज का भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लाइन वोल्टेज का इसको सिमेट्री बनाने के लिए इसको -30 डिग्री से इसके एक्सिस दिखाएंगे ताकि ये सिमेट्रिकल लगे। अभी ये सिमेट्रिकल नहीं लग रहा, मतलब क्वार्टर वेव सिमेट्री नहीं लग रहा, तो अगर हम इसको सिमेट्री कर दें तो यहाँ पर डीसी कंपोनेंट नहीं रहेगा क्योंकि एसी वोल्टेज है, तो यहाँ डीसी कंपोनेंट कैसे रह सकता है। तो इसको हम सिमेट्रिकल में दिखाएंगे। तो इसी जो लाइन वोल्टेज है इसको हम जैसा है वैसे ही दिखाते हैं कि यहाँ पर 120 डिग्री तक ये दिखाया हमने PD और ये हो गया आपका VAB और यहाँ पर ये -VD और फिर आपका हो गया 0, तो ये हो गया आपका 2π, ये हो गया π। तो इसी चीज को हम थोड़ा सा नेगेटिव में भी इलॉन्गेट कर देते हैं, तो यहाँ पर इस तरह ये नेगेटिव में भी इलॉन्गेट हो गया। तो ये जो वैल्यू है यहाँ तो 0 था, ये था 120 डिग्री, फिर पाए और यहाँ पर था 270 पाए +180 +120, तो ये हो गया आपका 300 डिग्रीज। तो इस तरह था। तो अभी हम क्या करते हैं इसमें इसका एक्सिस चेंज करेंगे। एक्सिस मतलब यहाँ पर हम इसका एक्सिस यहाँ बनाते हैं, तो अगर हम इसके एक्सिस को यहाँ रिप्रेजेंट करें और इसी वेव फॉर्म को फिर से ड्रॉ करते हैं तो ये आपका जो होगा वैसे ही है, सेम वेव फॉर्म होगा, बस हमने उसका जो एक्सिस है उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो चेंज कर दिया। और अब आप इसी वेव फॉर्म को फिर से देखो, यानी हम लोग उसको हीट कर दिए 30 डिग्री में, तो यहाँ पर आपका अगर ये 0 जाता है तो ये आपका 30 डिग्री होगा और ये आपका 150 डिग्री होगा, ये आपका होगा 180 डिग्री। ये इसलिए बनाया गया ताकि ये सिमेट्रिकल लगे। अभी हम इसका 90 डिग्री में देखा जाए तो यहाँ पर क्वार्टर वेव सिमेट्री होता है कि यहाँ से ये जो पैटर्न है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पैटर्न मैच कर जाता है। तो अभी हम इसका फोरियर सीरीज एनालिसिस करते हैं। तो एक मिनट, तो ये जो वेव फॉर्म है इसके जब हम फोरियर एनालिसिस करेंगे तो V0 का हम मालूम है कि V0 थीटा इज इक्वल टू, अगर इस जम को थीटा लें और ये हमारा लाइन वोल्टेज हो गया VAB, तो V0 थीटा इज इक्वल टू VDC प्लस समेशन ऑफ N इज इक्वल टू 1 to ∞ AN cos N थीटा प्लस BN sin N थीटा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो टर्म्स हैं ये 0 हो गए क्योंकि ये क्वार्टर वेव सिमेट्री एंड हाफ वेव सिमेट्री दोनों है, तो यहाँ पर आपका जो टर्म रहा वो BN, तो BN का फॉर्मूला क्या होता है 1/π 0 to 2π V0 थीटा sin N थीटा d थीटा, ये है BN का फॉर्मूला।
अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं कि इसको 1/2 पाई, 0 to 2 पाई नहीं करके हम लोग यहाँ से लेते हैं 30 से 150 डिग्री तक दो बार, तो हम इसको 2 times 2/π फ्रॉम 30 मतलब पाई बाय 6 और 150 मतलब 5π/6 दिस, और ये आपको V0θ हो गया Vd और साइन nθ dθ, तो ये आपका Bn का वैल्यू हो गया। तो अब हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 2Vd/π और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन थीटा इज कॉस एन थीटा डिवाइड बाय एन, एंड यहाँ पर हम इसका लिमिट चेंज कर लेते हैं, साइन की जगह ये हो जाएगा आपका कॉस एन थीटा लिमिट फ्रॉम 5π/6 to π/6, इसलिए हुआ क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन थीटा इज कॉस एन थीटा माइनस ऑफ कॉस एन थीटा, तो माइनस को एलिमिनेट करने के लिए इसका लिमिट इंटरचेंज कर दिया। सो 2Vd/nπ, ये आपका जो फॉर्मूला हो गया वो है कॉस ऑफ एन पाई बाय 6 माइनस कॉस ऑफ 5n π/6, तो इसको हम लिख सकते हैं 2Vd/nπ कॉस ऑफ थीटा कॉस ऑफ ए कॉस ए माइनस कॉस बी दैट इज नथिंग बट 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 ए प्लस बी यानी पाई बाय एन एंड दिस 6 एन पाई बाय 6 6 इज कैंसल हो गया यहाँ पर एन पाई बाय 6 और 5n π/6 तो ये दोनों को ऐड करने से 6n π/6 तो 6 कैंसल हो गया सिर्फ एन पाई रहेगा तो एन पाई डिवाइड बाय 2 फिर साइन ऑफ बी माइनस ए तो 5n π - nπ/6 सो 5n π/6 माइनस एन पाई बाय 6 दैट इज 4n π/6 डिवाइड बाय 2 दैट इज 2n π/6 दैट इज n π/3 तो ये आपकी वैल्यू हो गई। तो इसको फाइनली हम लिख सकते हैं ये हो गया 4Vd/nπ साइन ऑफ nπ/2 साइन ऑफ nπ/3। तो अगर हम इसमें b1 और b2 b3 ऐसा वैल्यू निकालें तो हमें मिलेगा कि b1 की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, b1 अगर हम b1 का वैल्यू पुट करें तो यहां पर हो जाएगा 4Vd/πi ये 1 पुट करने से 1 और साइन ऑफ 60 डिग्री √3/2 तो ये हो जाएगा 2√3Vd/πi ये b1 की वैल्यू मतलब फंडामेंटल कंपोनेंट कितनी है। तो ये जो वैल्यू आपको मिला है 2√3Vd/πi ये वैल्यू हो जाएगी आपकी ये जाती है कैलकुलेटर से देखने से देन ये वैल्यू हो जाएगी 1.10265 Vd। तो ये Vd से ज्यादा ही है 1.10265 Vd। तो हम यहाँ पर उसको एनालाइज कर सकते हैं कि अगर जो हमें फंडामेंटल कंपोनेंट मिला ये एक्चुअली है क्या। तो ये जो फंडामेंटल कंपोनेंट V01 मिला है वो है 1.10265 Vd। तो ये जो वैल्यू है वो एक्चुअली हमारा जो फंडामेंटल कंपोनेंट है ये है, ये हमारा जो फंडामेंटल कंपोनेंट है वो इस तरह कुछ है जो कि हम देख रहे हैं अभी ये है। तो ये जो पैटर्न है जो दिस इज ये जो स्क्वायर वेव जैसा बना है सिमेट्रिकल इसका जो फंडामेंटल कंपोनेंट है V01 उसका जो पीक वैल्यू है वो है 1.10265 Vd। अगर मैं इसका RM ये जो इसका Vm है इसका मैक्सिमम वैल्यू और मैं अगर V01 निकालूं इसका जो RMS वैल्यू तो हम इसको डिवाइडेड बाय √2 कर सकते हैं और वो बन जाएगा आपका 0.7797 Vd। ये आपका जो RMS वैल्यू हो गया फंडामेंटल RMS वैल्यू
यानी जो फंडामेंटल कंपोनेंट है उसका जो आरएमएस वैल्यू, यही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो हम आउटपुट वोल्टेज निकालते हैं 180 डिग्री मतलब 180 डिग्री कंडक्शन मोड, इसका फंडामेंटल कंपोनेंट कितना है। तो वेव फॉर्म तक सबको मालूम है, उसका फंडामेंटल कंपोनेंट निकालकर उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो आरएमएस वैल्यू होगी, ये होगी आपकी आरएमएस वैल्यू और ये वाली होगी आपकी पीक वैल्यू, ये आपका पीक वैल्यू हो गया। तो पीक वैल्यू ये रिप्रेजेंट करता है और आरएमएस वैल्यू इसका टोटल आरएमएस वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, पर ये जो V01 है ये सिर्फ फंडामेंटल कंपोनेंट का आरएमएस वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। और ये जो वेव फॉर्म है टोटल अगर आरएमएस वैल्यू हम निकालें तो ये कैसे होगा आरएमएस वैल्यू, तो हम इसका टोटल आरएमएस वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो V0 अगर हम इसका ऐसा V1 निकाल दिए तो हम इसी तरह V3 देखेंगे कि V3 जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर N की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 3 पुट करें या N की वैल्यू 3 पुट करें ये भी जीरो हो जाता है, और ये तो 1 होने से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये तो जीरो हो गया, तो V3 जीरो हो गया। एंड हमको जो दूसरा चीज मिलेगा वो है B5, तो B5 में ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस N की वैल्यू 5 हो जाएगी, सो यहाँ 2√3 VD/5π, यानी कि जितना भी V1 का वैल्यू होगा बस उसी में डिवाइड बाय 5 कर देंगे, और 7 होगा तो B7 होगा तो जितना भी वैल्यू होगा डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो B7 है वो 2√3 VD/7π, ठीक है। तो इस तरह आपका जो B5, B7, B1 बन गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि V0 थीटा जो है उसको हम लिख सकते हैं वो B1 साइन ऑफ ओमेगा टी और साइन ऑफ थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, और B5 साइन ऑफ 5 थीटा और B7 साइन ऑफ 7 थीटा, और इस तरह हम इसको 9 नहीं आएगा, मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा, और B11 साइन ऑफ 11 थीटा। तो यहाँ पर जो V1 की वैल्यू है वो रह जाएगी। तो हम अगर RMS वैल्यू निकालते हैं तो ऑब्वियसली दिस डिवाइडेड बाय रूट 2, तो RMS वैल्यू होगी, तो अगर V01 की RMS वैल्यू होगी तो V01 का जो पीक वैल्यू होगा, तो ये जो V1 की वैल्यू होगी उसके डिवाइडेड बाय रूट 2 कर देंगे तो हमको RMS वैल्यू मिल जाएगी, जो हमने कैलकुलेट करके देखा कि 0.7797 इतनी वोल्टेज है, इतना दिस मच टाइम्स ऑफ VD इट इज कमिंग। तो RMS वैल्यू कितनी है V0, तो V0 अगर हम इंटीग्रेट करते हैं इस चीज की, इसके RMS वैल्यू निकालते हैं कि RMS वैल्यू कितनी होनी चाहिए इस लाइन वोल्टेज के, तो हमारा वेव फॉर्म हमने सिमेट्रिकल करने के बाद इस तरह था कि ये जो वेव फॉर्म है, एक मिनट, तो ये था ढंग से नहीं बना, तो हमने इसको यहाँ पर लिख ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म था लाइन वोल्टेज का उसी को फिर से ड्रॉ किया, जहां पर ये आपका थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट कर रहा है आपका V0 थीटा, और फिर यहाँ पर 0 और ये हो गया आपका 5/6, ये हो गया आपका 5/6 बीच और लाइन पाए, उसी तरह यहाँ पर। तो ये क्वार्टर वेव सिमेट्री के लिए इसको इस तरह -30 डिग्री में लेकर हमने एक्सिस बनाया। तो ये जो वेव फॉर्म है, इस वेव फॉर्म का जो RMS वैल्यू होगा कितना, RMS वैल्यू की फॉर्मूला है V0 इज इक्वल टू 1/2π, हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं कि RMS वैल्यू की फॉर्मूला है V0 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ पर एक्चुअली हम रूट ओवर नहीं दिखा के स्क्वायर में दिखाते हैं पहले, तो 1/2π इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2π V0 थीटा V2 थीटा into d थीटा। तो इसी चीज को हम ये फॉर्मूला भी दिखा सकते हैं ऐसे, और यहाँ पर अगर V0 को हम सिर्फ V0 लिखें तो रूट ओवर हो जाएगा, तो इसीलिए हम V0 स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि ये पैटर्न रिपीट कर रहा है पाई के बाद, तो हम लोग इसको 2/2π कर दिए, और ये π/6 और ये π/6 से 5π/6 की तरफ जा रहा है, तो 5/6 से 5π/6 V0 स्क्वायर थीटा, V0 का वैल्यू VD है तो VD स्क्वायर, और 2 कैंसिल, VD स्क्वायर रह पाए, और यहाँ पर 5π/6 -π/6 ये हो जाएगा आपका 4π/6 दैट इज 2π/3, तो यहाँ पर पाई कैंसिल होने के बाद ये बन जाएगा आपका
2/3 VD² तो इससे हमको क्या मिला, वी गॉट इट, इससे हमको मिला V0 इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2/3 VD एंड ये जो वैल्यू होगी रूट ओवर ऑफ 2/3 ये हो गई आपकी 0.8165 VD। तो यहां पर हमारे जो V0 की वैल्यू है RMS वैल्यू 0.816 VD है और जो फंडामेंटल क्वांटिटी इसकी वैल्यू है RMS वैल्यू 0.7797 VD। तो अगर हम इसका THD निकालते हैं टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, तो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन क्या होता है कि ये होता है कि सारे जो हार्मोनिक्स हैं V05² V07² V011² तो जितने भी हार्मोनिक्स हैं डिवाइडेड बाय V01। तो इस चीज को हम ऐसे भी ले सकते हैं कि जितने भी हार्मोनिक्स हैं वो कैसे होते हैं V02 माइनस V01² भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो V0 वैल्यू है V02 ये तो होती है V01² प्लस V05² प्लस V07² अगर जितने भी हार्मोनिक्स है 3V होता तो 3² सारे मिलाकर, तो इन दोनों को अगर हम लिखे हैं तो मतलब ये सारे चीज V0 माइनस V01² में भी हो सकता है। तो इस तरह हम पूरे हार्मोनिक्स को V02 माइनस V01² डिवाइड बाय V01 और इस चीज को अगर हम ठीक से लिखें तो ये हो जाएगा V0/V01² माइनस 1। तो V0/V01 की जो वैल्यू है यहां से मिल जाएगी हमको, तो यहाँ पर V0 की जो वैल्यू है वो है 0.8165 VD डिवाइडेड बाय 0.7797 VD माइनस 1 और ये जो वैल्यू हो गई, ये इसकी वैल्यू निकालने से पहले ये इसके स्क्वायर होंगे सब। अब ठीक ये वैल्यू आ रही है 0.3108 यानी ये है आपका THD टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन है 0.318। तो हम इसको ये सभी लिख सकते हैं कि THD इज इक्वल टू 31.08%। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि थ्री फेज में 180 डिग्री कंडक्शन है सबसे वर्स्ट वन, मतलब अगर हम कोई मॉडुलेशन टेक्निक यूज नहीं कर रहे हैं और 180 डिग्री कंडक्शन यूज कर रहे हैं तो सबसे खराब अगर वेव फॉर्म आ रहा है वो है स्क्वायर वेव, तो सबसे वर्स्ट खराब वेव है। तो इसका जो THD आ रहा है वो कितनी आ रही है, THD 31.08% आ रही है। तो अगर हम कोई मॉडुलेशन टेक्निक यूज करते हैं थ्री फेज में तो इससे तो कम ही आएगी, तो वो कितनी वैल्यू आएगी और कितना सब है वो सब हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो इस वीडियो में हमने समराइज ये किया कि हमने देखा कि जो पल्स देने के बाद वेव फॉर्म्स कैसे होते हैं, हमने लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का जो फूरियर सीरीज ट्रांसफॉर्म है वो किया। तो लाइन वोल्टेज का अगर हम लोग कर लिए तो फेज वोल्टेज का भी हम लिख सकते हैं, जैसे V1 का वैल्यू यहाँ पर हमने लिख लिया, तो अगर हम फेज वोल्टेज करेंगे तो ये सेम पैटर्न रहेगा बट यहाँ पर ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ यहाँ पर √3 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर एक छोटी सी जो V0θ है, यहाँ पर जो V0θ है उसको हमने थोड़ा सा क्योंकि हमने फेज लैग किया था तो ये वैल्यू रहेगी नहीं, तो V0θ की जो वैल्यू है वो इसके बदले क्या हो जाएगी, ये जो वैल्यू है V1 साइन ऑफ थीटा प्लस π/6 और इसी तरह सारे जो टर्म्स हो जाएंगे sin 5 थीटा, तो इस तरह ये π/6 लीड सबके तरफ में चले जाएगी और फिर ये वैल्यू हो जाएगी 5 ऑफ थीटा प्लस π/6 इनको ब्रैकेट में डालेंगे 5 टाइम्स ऑफ दैट और इस तरह हमारा जो वैल्यू है वो हर जगह थीटा की जगह थीटा प्लस π/6 हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया था, क्योंकि हमने इसको 30 डिग्री पीछे करके 30 डिग्री लीड करके हमने ये जो पैटर्न है जो फोरियर सीरीज निकाले और जो RMS वैल्यू निकाले हमने 30 डिग्री इसको लीड किया था। RMS वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा बट जो फंडामेंटल कंपोनेंट है वहां पर थीटा प्लस π/6 ऐड होना जरूरी हो जाएगा। तो इससे हम जो BAN है उसका हम वैल्यू लिखते हैं,
तो पहले VAB का वैल्यू लिखते हैं, VAB इज इक्वल टू 4BD पाए N पाए साइन ऑफ N पाए बाय 2 साइन ऑफ N पाए बाय 3। ये वैल्यू थी, और यहां पर हम नॉर्मलाइज कर लेते हैं, जैसे VAB इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ N इज इक्वल टू 1, 5, 7 इस तरह अप टू इन्फिनिटी, और यहां पर हम साइन ऑफ N थीटा यानी N ओमेगा T, सो ओमेगा T के हिसाब से लिखते हैं, N ओमेगा T प्लस N पाई बाय 6, तो इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर n को हम अलग करके ओमेगा t प्लस पाई बाय 6 भी लिख सकते हैं, उस तरह भी लिख देते हैं, n ओमेगा t प्लस पाई बाय 6। तो ये VAB का वैल्यू हो गया, तो VBZ की वैल्यू कितनी होगी, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू सेम 157 बाय इनफिनिटी टू अप टू इनफिनिटी 4VD बाय n बाय साइन ऑफ n पाई बाय 2 साइन ऑफ n पाई बाय 3। तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये जस्ट एक VM, ये रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम वैल्यू, और जो साइन टर्म है वहां पर चेंज होगी, ये हो जाएगी माइनस, ये जितनी वैल्यू होगी माइनस 120, तो ये माइनस 90 हो गया, माइनस 90 मतलब क्योंकि ये प्लस 30 है, प्लस 30 में से माइनस 120 किया जाए तो ये माइनस 90 आएगी, तो माइनस पाए। उसी तरह